सभी ने कथा कहां पर हमने विराम किया है आप सभी को पता है, जानते हैं आप सभी कि परीक्षित को श्राप लगा है। 7 दिन में परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। आप सब जानते हैं कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है। अब उनको विश्वास हो गया है मेरी 7 दिन में मृत्यु होगी, मैं आज या कल में नहीं मरूंगा, मैं 7वें दिन। हम सबको क्या मालूम है कि अगला पल हमारा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन राजा परीक्षित जी को अब ये मालूम हो गया है कि 7 दिन मुझे कोई भी नहीं मार सकता, मेरी मृत्यु नहीं आएगी। अगर हम सबको ऐसा पता चल जाए कि हम 2 दिन में, 4 दिन में, या 1 महीने में, या 1 साल भी, उनके लिए तो 7 दिन है, हमें अगर ऐसा पता चल जाए कि हम इस वर्ष में चले जाएंगे, 2023 लगा है, 24 में चले जाएंगे, तो आप सबसे पहले क्या प्रयत्न करेंगे? आप सबसे पहले किसी अच्छे से पंडित जी के पास में जाएंगे, पंडित जी आप ये कुंडली देखिए हमारी, इस कुंडली में हमारे किसी पंडित जी ने ऐसा बताया है कि 2024 में आप पूर्ण हो जाएंगे, आप सीधा प्रभु को प्यारे हो जाएंगे। आप उनसे कहेंगे प्रभु आप हमें बचने का उपाय बताएं। पंडित जी महाराज आपको क्या बताएंगे? आप मंत्र जप कराएं, नवग्रह शांति कराएं, महामृत्युंजय कराएं, मृत संजीवनी कराएं, अनेक आपको उपचार बताएंगे और आपको प्रसन्नता होगी कि ब्राह्मण देवता ने हमको बहुत सुंदर वचन कहे हैं और हम नहीं मरेंगे। ये सत्य है या झूठ है आप बताइए? सत्य नहीं हो सकता, जाना तो एक ना एक दिन सभी को है, मृत्यु लोग है, नाम ही क्या है इसका, मृत्यु लोग, एक ना एक दिन तो सबको जाना है। ये प्रभु ने विधि का विधान है, अगर प्रभु यहां पर भेजते रहे और किसी को अपने पास न बुलाए तो जो यहां पर इस समय थोड़ी सी भीड़ है, बिना बुलाए यहां पर ये पूरा का पूरा पंडाल भर जाएगा, आप सांस भी नहीं ले सकेंगे। ये पूरा भारत हमारा जो अभी इस समय कम है, बढ़ तो फिर भी रहे हैं, लेकिन हम एक के ऊपर एक कई फुट हम ऊपर पहुंच जाएंगे और नीचे वाले दबकर मर जाएंगे। इसलिए प्रभु ने जो भी रचा है प्रभु वही करते हैं जिसमें हम सबकी भलाई होती है, ये सत्य है। राजा परीक्षित को श्राप लगा है, भय नहीं हुआ उनको कि मैं मरने वाला हूं, मैं कुछ अच्छा सा खा लूं। अब हम तो बहुत ही ज्यादा चटोरे हैं, हम कहें अरे बस अंतिम समय कुछ अच्छा सा पकवान खिला दो, मेरे बच्चे की शक्ल दिखा दो, अब मैं जाने वाला हूँ तो कुछ मेरे नाम प्रॉपर्टी है, वकील साहब को बुला लो। आप तो कहीं ना कहीं बच्चे कहेंगे अच्छा आप जाने वाले हैं। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। अचानक से किसी को हार्ट अटैक आया, दिल में बड़ी तेज दर्द हुआ, सबने कहा इनको डॉक्टर के पास में लेके जाओ, समय इनके पास कम है। हमारे कुछ निवासी भी डॉक्टर होते हैं,
उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, आप इनको किसी अच्छे से हॉस्पिटल में लेके चले जाओ। तो महिला जाने से पहले क्या कहती है, मैंने कुछ अंगूठी पहनी है सोने की सारी उतार लो मेरी। क्या बात है, क्यों उतार लो? बस मैं अब दोबारा इस घर में वापस तो नहीं आऊंगी, मेरे कानों में कुंडल भी है ये भी अभी उतार लो। क्या आपको कहने की क्या आवश्यकता है, जब आप चली जाओगे हम तो वैसे भी उतार लेंगे। यही सत्य है, आप सबने एक विधान तकिए को रख लेते हैं कि तकिए को अपनी छत पर रख लेना चाहिए, और वैसे उनके कोई भी वस्त्र है वो सारे के सारे बाहर डाल दिए जाते हैं। जब अंत समय आता है, उनके प्राण पूर्ण हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, हाँ ये सब इनके वस्त्र हैं, इन पर ये लेटे थे, इन सबको इकट्ठे करो और भाड़े पर लेकर चले जाओ, शमशान घाट में ले जाओ। लेकिन जो स्वर्ण है, जो प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ हमें दे जाओ, वो हम तिजोरी में रखेंगे, याद बनी रहेगी, ऐसा मानते हैं। क्या ये सत्य है? हम सब बड़े ही लालची हैं, हम प्रभु की कीर्तन में आते अवश्य हैं, परंतु हमारा ध्यान तो हमारे घर लगा रहता है, ये सत्यता है। जब श्राद्ध पक्ष आते हैं, कहते हैं हमारे बाबूजी बहुत मीठा खाते थे, पंडित जी महाराज को निमंत्रण देते हैं, पंडित जी अच्छा नहीं लगा हमने, आपने एक ही चम्मच खाई, आपने एक ही कटोरी खाई। अब पंडित जी को शुगर है, पंडित जी ने इसलिए एक ही चम्मच ली है, कहने लगे नहीं पंडित जी आपको पूरी कटोरी खानी, हमारे बाबा जी तो बड़ा कटोरा खाते थे, आपने एक कटोरी भी, मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। अब आपकी संतुष्टि के लिए पंडित जी का कार्य पूर्ण हो जाता है। अब आप बताइए ऐसे ही चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने क्या किया है, राजा परीक्षित ये नहीं पूछते हैं कि हाँ ये मेरी संपत्ति का क्या होगा। आज जैसे ही उनको मालूम हुआ कि मुझको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, मैंने अपराध किया है, मैं दंड का भागी हूं और मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। आज सारा का सारा राज्य अपने पुत्र जन्मजय को शोप कर चल पड़े हैं। ब्राह्मणों को बुलाया गया, उनके पुत्र ने कहा नहीं पिताजी आप ऐसे नहीं जा सकते, कोई तो उपाय होगा बचने का, आप किसी ब्राह्मण को बुलाएं, ये तो आपको इतना बड़ा राज्य, यहां पर बहुत सारे ब्राह्मण देवता रहते हैं। परंतु सभी ब्राह्मणों ने अपने अपने विचार विमर्श रखे, उनको संतुष्टि नहीं हुई। आज सारा का सारा अपना साम्राज्य छोड़कर चल दिए हैं, और हम जब कोई यात्रा पर जाते हैं तो हम तो अपना अच्छा सा सूटकेस बंद कर ले जाते हैं, न जाने यहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा, सर्दी बहुत है, हम कोई यात्रा करते हैं तो ये जैकेट भी रख लो, ये स्वेटर भी रख लो, टोपा भी रख लो, ये सब कुछ, और खाने पीने के लिए भी रख लो, हो सकता है वहाँ पर कैसा मिलेगा। हम अपने मन इस प्रकार का विचार करते हैं, वो कुछ भी नहीं लेकर गए, वो खाली हाथ चले गए हैं। यही विधि का विधान है, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, धन इत्यादि नहीं, कुछ लेकर जरूर जाएंगे, खाली हाथ आए जरूर है लेकर कुछ अवश्य जाएंगे। वो क्या लेकर जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस नहीं साथ जाएगा, केवल अगर कुछ साथ जाएगा आपके तो पाप और पुण्य आपके साथ जाएगा। हम ऐसा मानते हैं कि हम नित्य प्रति प्रातःकालीन में मंदिर जाते हैं और शाम के समय भी मंदिर जाते हैं, तो हम तो कोई पाप करते ही नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में भी हमसे 32 प्रकार के पाप मंदिर में जाने के बाद हो जाते हैं। अब अगर मैं आपको 32 पाप गिनवाऊंगा तो आप मंदिर में जाना ही बंद कर देंगे, कि जब मंदिर में पाप होते हैं तो आज से हम जाएंगे नहीं। अब पंडित जी देखेंगे भाई घंटे भी नहीं बज रही है, भक्त कहां चले गए। लेकिन कुछ हमसे अपराध हो जाते हैं, ज्यादा नहीं मैं आपको 2-4 गिनवा देता हूं। सर्वप्रथम जब भी हम कहीं मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, हमको पादुका पहनकर नहीं जाना चाहिए, हमें मंदिर में नंगे पैर जाना चाहिए सर्वप्रथम। और हम क्या करते हैं,
हमें पादुका छोड़ो, हम तो अपनी एक्टिवा और मोटरसाइकिल इनसे चले जाते हैं। सबसे बड़ा अपराध हमारा सर्वप्रथम ये हो गया है। मंदिर में जब भी आप एंट्री करते हैं, आपके सिर पर अवश्य कोई ना कोई कपड़ा होना चाहिए, अन्यथा मंदिर में प्रवेश में नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, कभी भी खुले बाल आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अपने घर में जो आप भोजन बनाते हैं, साक्षात भगवती अन्नपूर्णा निवास करती है, खुले बाल आपको भोजन भी नहीं बनाना चाहिए और मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। और आप जब मंदिर में जाते हैं, आपके कोई अतिथिगण, आपकी कोई रिलेशन से, कोई परिवार से आपको मिल जाए तो आप उनको प्रणाम करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा अपराध है। परमात्मा से बड़ा तो कोई नहीं है, ये तो सब मिथ्या झूठे हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन परमात्मा तो कल थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे, वही सत्य है। इसलिए कभी भी मंदिर में जाकर किसी को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, केवल भगवान के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। कुछ बातें हैं ये हमें ध्यान रखनी चाहिए, अन्यथा आप मंदिर में जाना छोड़ देंगे। अगर 32 के 32 पंडित जी कौन बताएंगे। तो आज राजा परीक्षित चल दिए हैं एक वन की ओर। चलते चलते कहां पर चले गए हैं आप सब जानते हैं, शुक्रताल। शुक्रताल में वहां पर एक बड़ा सुंदर वट वृक्ष है, बड़ का पेड़। आज भी मान्यता है अगर वहां पर हमें एक तोते के रूप में दर्शन हो जाए तो हम साक्षात देखते हैं कि हमें सुखदेव जी महाराज के दर्शन हो गए हैं और हम अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं कि आज हमें प्रभु के दर्शन हो गए। आज भी ये मान्यता, आज भी वो वट वृक्ष वहीं पर है। राजा परीक्षित शुक्रताल में आए हैं, शुक्रताल में आकर मन तो आज प्रसन्न नहीं है कि प्रभु की मुझे प्राप्ति कैसे हो, बस मन में ये अभिलाषा है। अनंत वहां पर ऋषि महात्मा ये सब के सब वहां पर एकत्रित हैं, कई हजारों की उनकी संख्या है, वो सब एकत्रित वहां पर बैठे हैं। मन ही मन में किस प्रकार से विचार करते हैं, ये वही परीक्षित है जिसकी प्रभु ने गर्भ में रक्षा की है। आज देखते हैं हम भी कि प्रभु इनकी कैसे रक्षा करते हैं। वहीं पर गंगा जी भी आती है शुक्रताल में, हम स्नान करते हैं वहां पर पवित्र हो जाते हैं। देखा वहीं से प्राकट्य हमारे सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। यहाँ पर एक सुंदर से सुखदेव जी की व्यवस्था करनी है। देखिए ये कोई पर्सनल नहीं है कि अगर हम लेकर आ जाएंगे कि कहीं ये हमसे नाराज ना हो जाए कि पंडित जी आपने इन दूसरे से क्यों ये चीज आपने मंगाई, ये सामान आपने दूसरे व्यक्ति से क्यों मंगाया है। मैं ऐसा कहूंगा कि एक सुखदेव जी महाराज कल को, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जहाँ पर आ जाते हैं तो वहां पर मंगलमय कथा होती है। देखिए हम सबके जीवन में तो व्यथा होती है, व्यथा कैसी, इधर की बात उधर करने, उधर की इधर करने, केवल शांत तो हम वहीं बैठते हैं बस जब आनंद में हमको कथा श्रवण हो रही हो और हमारे बाके बिहारी जी की कथा होती है। जब आप बाके बिहारी जी की कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाते हैं तो बाके बिहारी जी आपकी व्यथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं कि सब संकटों को आप छोड़ दो मेरे ऊपर, अब आनंदमय कथा को श्रवण करो। तो सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है, 16 साल की मात्र उम्र है सुखदेव जी महाराज की। अनेकों अनेक ऋषि जिनकी कई कई हजार वर्ष की उम्र है आज सब के सब खड़े हो गए हैं जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। राजा परीक्षित का आज हृदय बड़ा गदगद हुआ है, आज उनको लगा कि हाँ कोई सच्चे संत आए हैं यहाँ पर। जैसे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, राजा परीक्षित ने उनको दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके सुखदेव जी महाराज की 16 पूजा की गई है। पूजा करने के बाद में
सुखदेव जी महाराज के लिए सुंदर सा आसन बिछा रहे। सुखदेव जी महाराज वहां पर उपस्थित हुए, बैठ गए हैं आनंद में। राजा परीक्षित उनको प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी महाराज उनका प्रणाम स्वीकार करते हैं। राजा परीक्षित, देखिए हम जब भी कभी संतों के संग में जाएं, संतों के पास अगर हमें बैठने का घड़ी दो घड़ी का मौका मिल जाए, तो आप कभी भी उस समय को बर्बाद मत करें। आप ऐसा मत कहिए कि संत महात्मा जी आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छे से चल जाए, हमारे घर में धन की वृद्धि हो जाए, हमारे कोई पुत्र हो जाए, इत्यादि हमारे तो अनेकों अनेक सवाल खड़े हो जाते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतों का मिला जो समय होता है ना, वो बड़ा ही कीमती होता है। संतों का क्षण वो थाली में बचा हुआ अन्न का कण, कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज राजा परीक्षित ने यही किया है। प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे श्राप लगा है, 7 दिन में प्रभु मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे मृत्यु का भय नहीं है कि प्रभु मैं मर जाऊंगा, मुझे केवल ये बताएं आप कि मुझे प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी, उस नारायण की प्राप्ति कैसे होगी। प्रभु केवल आप ये बताएं, क्योंकि मृत्यु लोग है, जाना तो सभी को है, मैं मृत्यु का भय नहीं करता, केवल मुझे आप ये बताइए कि प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। सुखदेव जी महाराज आज गदगद होकर प्रसन्न हो गए। बहुत सुंदर प्रश्न किया है राजा परीक्षित आपने, ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये तो आपने पूरे समाज के लिए किया है। मैं प्रसन्न हूं आपसे, मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आपके पास 7 दिन तो जरूर है। अरे राजा कटवांग जो केवल 2 घड़ी उसके पास शेष बची थी, उसने भी प्रभु की प्राप्ति कर ली 48 मिनट में, और आपके पास तो 7 दिन है। अब आप ही बताइए, हमारे पास भी 7 ही दिन है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम अजर हैं और अमर हैं, हमारे पास भी 7 ही दिन है। इसलिए आप अभी से भगवान का भजन करना प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा संत महात्मा जी के पास में जाके, प्रभु मैं भगवान का भजन कब करूं, प्रभु आप मुझे ये बताइए। महात्मा जी ने कहा, ये कैसा प्रश्न है आपका। बस प्रभु मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं मरने से 5 मिनट पहले भगवान का भजन कर लूं। प्रभु ने कहा, अभी कर ले, ऐसा क्यों कह रहे हो प्रभु आप, 5 मिनट बाद तेरी मृत्यु होने वाली है। जब तक भय नहीं होता, जब तक हमें संकट नहीं घेरते, तब तक हम भगवान का भजन नहीं करते हैं। इसलिए हमें अभी से ही, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल का कुछ नहीं पता है कल क्या होगा तुम्हारे साथ में, इसलिए आप अभी से ऐसा निश्चय कर लो। अगर पंडित जी महाराज ने आपको 2 बजे का समय दिया, आप उन्हें 2 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाओ। भले हमारे संगीतकार भी आए ना आए, भले पंडित जी आए ना आए, लेकिन आपको तो थोड़ी सी इंतजार करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर इंतजार नहीं करेंगे पंडित जी, जब आप 2:30 बजे आते तो हम तो 2:35 पर आएंगे। डॉक्टर साहब के यहाँ पर जब नंबर लिखवाते हैं ना, जब डॉक्टर साहब आपको 4 घंटे बिठा लें, आप प्रतीक्षा करेंगे, और पर्चे पर भी कम से कम आपका 800 या 1000 रुपए का पर्चा भी होगा आपका, केवल वो पर्चा रहेगा। डॉक्टर साहब तो आपको केवल मात्र 5 मिनट देंगे, हम तो फिर भी आपको 3 घंटे देते हैं। लेकिन आप अहमियत किसको देते हैं कि डॉक्टर साहब हमको सही करेंगे। अरे वो आपका एक आध अंग भी तो सही करेंगे, हम तो आपकी आत्मा को पवित्र कर देंगे। बोले बाके बिहारी लाल की। तो इसलिए आप अपना समय व्यर्थ ना बर्बाद करें, आपको समय से आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं यहीं पर कहता हूं, जहां पर भी प्रभु का कीर्तन होता हो, जहां भी भगवान का भजन होता हो, वहीं आपको अपने समय से पहले जाना चाहिए।
जब हमारी ट्रेन हमारा रिजर्वेशन होता है तो हम क्या करते हैं, 7:30 बजे की ट्रेन है, हम 7 बजे जाकर बैठ जाते हैं। भले ट्रेन हमारी 8 बजे चले लेकिन हम 7 बजे चले जाते हैं, क्योंकि वो किसी का इंतजार नहीं करती। तो क्या मौत किसी का इंतजार करती है? नहीं करती। इसलिए आप अपने समय पर आ जाया करें, आप हमारा भी इंतजार ना किया करें, आप भगवान का भजन करें। श्री मन नारायण नारायण।